KASO Music presents Kanishka Goes Live. Hi, welcome to my show Kanishka Goes Live on KASO Music. आज मेरे साथ है उर्मिला शर्मा जी, जो कि मेरी दाइसा बनी है मेरे शो में दिया और बाती हम, जो आप अभी भी देख रहे हैं स्टार उत्सव में. और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये मेरी ऑफिस में आई है और इसीलिए मुझे मौका मिला कि मैं इनका इंटरव्यू. और आज है विमेंस डे, तो ये एक लक की बात ही है कि विमेंस डे के दिन मुझे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन को अपने शो में लाने का मौका मिला है. तो बताइए आपकी लाइफ में, बेसिकली मुझे दिया और बाती अच्छे से पता है क्योंकि मैं उनके साथ थी, दाइसा और मैं उनके बहू. उसके अलावा क्या कैसे कैसे आपका कैसी जर्नी रही है फिल्म इंडस्ट्री में? दिया और बाती शो मेरा तीसरा शो है. इसके पहले मैं ये रिश्ता क्या कहलाता कर रही थी, रुक्मणी कैरेक्टर का नाम था, मोहित की मम्मी, बालिका वधू. और भी मैंने डीडी के शो किए हैं, पाप पुण्य का लेखा जोखा. स्टार प्लस में सबसे पहला शो मेरा था साईं बाबा, बस साईं बाबा की कृपा से मुझे काम मिलता गया. पर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती? नहीं, मैं 12 साल पहले टिपिकल हाउसवाइफ थी, अजगट में रहती थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊंगी. बट इसे बोलते हैं इंस्पिरेशन. आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि एक हाउसवाइफ जिन्हें पता ही नहीं था कि वो कभी इस फील्ड में आएगी, बेसिकली आप कैलकटा से बिलोंग करती हैं? मैं कैलकटा से निकल के वो मुंबई में आती हैं, एक हाउसवाइफ होके भी वो आज उनका एक नाम है इंडस्ट्री में, लोग उन्हें पहचानते हैं, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है. तो और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो आपको लाइफ में मतलब ऐसा लगा कि आपको कभी आपने बहुत काम किया हो या बहुत इनिशियली आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी हो, बहुत मेहनत, मतलब पता ही नहीं कि कैसे कहाँ जाऊँ और कैसे जर्नी शुरू हुई? अब ये तो मैं भोलेनाथ की कृपा समझती हूँ अपने ऊपर, कि उनकी कृपा से ही मैं यहाँ आई. मुझे एक्चुअली पहले मैं घूंघट में रहती थी, तो मुझे इतने सारे लोगों के सामने बोलने में भी बहुत डिफिकल्टी होती थी. एक दो बार मैं ऑडिशन पे गई तो मतलब मैं ऐसे कांप रही हूँ जैसे मलेरिया का मरीज हो. मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली एक्टिंग की, बस घर से निकल के यहाँ आ गई. लेकिन ऑडिशन देते देते मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा और शायद मेरे अंदर वो टैलेंट था एक्टिंग का. तो कॉन्फिडेंस जब आ गया, जब लोगों के सामने बोलने की हिम्मत आ गई, तो वो टैलेंट उभर के आ गया. तो बस ऑडिशन देते देते ही मैं आज इस मुकाम पे हूँ. मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं थी इंडस्ट्री में. बस लोगों से पूछते हुए कहाँ ऑडिशन है, कहाँ चल रहा ऑडिशन है, ऐसे स्ट्रगलर लोग बैठ के बातें करते थे, जा जा के ऑडिशन देते देते. पहली बार आपको ऐसा कब फील हुआ कि यू नो मैं एक सेलिब्रिटी हूँ? या वो एक होता है ना वो एहसास, ये एहसास जब मैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद अपने भाई की बेटी की शादी में गई थी, सारे कैमरेज मेरी तरफ हैं और मैम एक मेरी फोटो, एक मेरे साथ फोटो, मैम ये कैसे हुआ, ये एक सवाल का जवाब दो. मतलब उस समय मेरे पापा मुझे देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज इसने मेरा सर गर्व से ऊपर कर दिया. मैंने सोचा बेटे ही करते हैं, लेकिन ये बेटियों के इसने मेरा मतलब सर ऊंचा कर दिया. दूल्हा दुल्हन को कोई नहीं पूछ रहा, सब इसके पीछे ही है. उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ बन गई हूँ और आज वुमेन्स डे भी है, तो एक बेटी होते हुए अपने पापा का नाम मैंने रोशन किया, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की. आई एम श्योर ये बहुत बड़ी गर्व की बात है पापा के लिए. और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन है आपको? मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. पहली बात, अगर वो परमिशन नहीं देते तो मैं इस फील्ड में ही नहीं आ पाती. बहुत कंजर्वेटिव फैमिली में होने के बावजूद मेरे हस्बैंड ने मेरी भावनाओं को समझा, उन्होंने मुझे यहाँ आने की परमिशन दी, पैसा दिया और हर वक्त वो मेरे साथ खड़े रहे. तो उनका सबसे बड़ा योगदान है मेरा यहाँ आने में. मतलब फैमिली का सपोर्ट होना आपको लगता है बहुत जरूरी? बहुत जरूरी अगर इस फील्ड में, बिकॉज ज्यादातर एक्टर्स आजकल आप देखते हो इमोशनल होते हैं और कभी कभी इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं. इमोशनल पे मुझे बात याद आई कि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी और 6 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया था, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, काम भी नहीं कर रही, हस्बैंड वहाँ अकेले हैं, बच्चे तो खैर हॉस्टल में थे. तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को ऐसे पूछा फोन करके कि वहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, मैं वापस आ जाऊँ? तो मेरे हस्बैंड ने कहा देखो तुम्हारी जब मर्जी तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा घर है, लेकिन मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं है. अगर तुम्हें काम करने का मन है तो तुम काम करो, I'm always with you. अगर नहीं करने का मन है तो वापस आ जाओ, तुम्हारी मर्जी. तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला, फिर मैंने कहा ठीक है कंटिन्यू करती. आपको मतलब हिम्मत मिली अपने हस्बैंड से? Something which boosted you up.
नहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मैं छोड़ के चल जाऊं, क्योंकि थैंक गॉड टच वुड कि मुझे काम जब मिलना शुरू हुआ तो मैंने बहुत काम किया। एक वक्त ऐसा था कि मैं चार चार शोज एक साथ कर रही थी, आधा आधा दिन हर शो को दे रही थी। लेकिन जब मुझे पहला कंटिन्यूटी शो मिला, कलर चैनल लॉन्च हुआ था जब ही, तो पहला शो जब मिला उस वक्त मिलने के दो चार महीने बाद ही मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हुई। उस वक्त मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि शायद मुझे छोड़ देना चाहिए, फैमिली को मेरी जरूरत है। लेकिन अगेन यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, मैं कंटिन्यू करती रही, बुरा वक्त चला गया। और आपने मूवी भी की है रांझना में, आप माँ बनी थी, वो कैसे मिला आपको? बिल्लू बार्बर की मैंने सबसे पहले लारा दत्ता की फ्रेंड थी उसमें। अच्छा। वो भी बस वही भोलेनाथ की कृपा बोले कि लोग आपको रांझना की, बिकॉज इट वाज आल्सो अ सुपर हिट मूवी। या सुपर हिट मूवी है। फिर मेरा हीरो की माँ का रोल था, अगेन भोलेनाथ की नगरी में, भोलेनाथ की नगरी में शूट हुआ, बनारस। बनारस तो बस दर्शन भी हो गए, तीर्थ यात्रा भी हो गई, खेल खेल के मूवी भी हो गई। अभी 5 जनवरी को एक मूवी आपकी आई थी कबड्डी, जो कि फीमेल ओरिएंटेड मूवी थी, और क्योंकि आज विमेंस डे भी है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। तो मूवी में मेरा कैरेक्टर थोड़ा नेगेटिव है, मैं सरपंच हूँ और गांव की सरपंच हूँ, और मैं लड़कियों के खिलाफ हूँ। तो मेरी बहू को जब बच्चा होने वाला होता है तो मैं कहती हूँ टेस्ट कराओ, लड़की है तो वॉशरूम कराओ। फिर वो लोग झूठ बोल देते हैं और लड़की पैदा हो जाती है, मैं उनको अपने घर से अलग कर देती हूँ। बाद में वो लड़की बड़ी होती है और वो कबड्डी प्लेयर बनती है, फिर मैं उसको अपना लेती हूँ। ये उसका स्टोरी है। इसका मेन ये मैसेज जाता है लोगों को कि बेटियों को कम मत समझो, बेटी को पढ़ाओ। देखा जाए तो कभी कभी आजकल इंडियन क्रिकेट टीम में जो लड़कियां हैं वो अच्छा कर लेती हैं, कभी कभी इंडियन में जिस दिन आप देखते हो हार जाते हैं। कोई भी काम लड़की लड़कों से हमेशा अच्छा करती है। डेफिनेटली बेटियों को बढ़ावा दीजिए, बेटियों को सपोर्ट कीजिए, हम भी यही चाहते हैं। आगे क्या प्लानिंग है आपके, कि अभी भी आते यू आर लुकिंग आउट फॉर साउथ मूवीज और बॉलीवुड? नहीं, साउथ मूवी तो ऑफ कोर्स मैं करना चाहूंगी, बिल्कुल करना चाहूंगी। और काम तो काम होता है, बड़ा पर्दा छोटा पर्दा आजकल तो कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो मुझे जो भी अच्छा रोल जहाँ मिलेगा, फिल्म में मिला तो फिल्म, टीवी में मिला तो टीवी, जहाँ भी अच्छा रोल अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा उर्मिला जी, नहीं तुम बाद में पूछना, तुमने बहुत कुछ पूछ लिया, अब मैं तुम्हें पूछूंगी। ये लड़की जब सेट पे आती थी शूटिंग पे तो गाने सुना सुना कर हमारा एंटरटेनमेंट करती थी, इतना अच्छा गाती थी। लेकिन इसके अंदर ये टैलेंट भी छुपा हुआ है, ये मुझे नहीं पता था। तुम बहुत अच्छा कर रही हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगता लोगों को ये कहना कि इसने मेरे बम का रोल किया था दिया और बाती में। अभी तुम फिजिकल चैलेंज लोगों के लिए उनका इंटरव्यू करती हो, उन्हें लाइमलाइट में ला रही हो, सच बोल रही हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाह रही थी कि तुमसे मिलके मैं तुम्हें बधाई दूँ, फोन व्हाट्सएप तो चलो आज दिन करते हैं, मिलके तुम्हें पर्सनली इस बात के लिए अप्रिशिएट करूँ। आज मौका मिला मुझे, ये आज के दिन ही तुमसे मुलाकात हुई अचानक, और हम उर्मिला जी मैं एक्चुअली दिल से ये चाहती हूँ कि क्योंकि मेरी बहन भी हैंडीकैप है, इसीलिए मेरे अंदर ये थॉट आया कि मैं ऐसे बच्चे जो जैसे हम तो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, हम तो फिर भी बाहर निकल जाते हैं, हम ढूंढते हैं कि हमें काम मिले, हम ऐसे लोगों से मिले जिनसे हमें काम मिले। लेकिन जो ब्लाइंड होते हैं या जो थोड़े से अबनॉर्मल होते हैं, उनके लिए तो सोचो लाइफ कितनी चैलेंजिंग होगी, कितनी मुश्किल होगी। तो मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ कर दिखाना है इस दुनिया में, कुछ करना है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि मैं ऐसे लोगों को यू नो फ्रंट लाइन में लेके आऊँ कि इनके अंदर भी एक टैलेंट, इनके अंदर भी कुछ बहुत टैलेंट होता है उनके अंदर, हाँ बस निकालने वाला चाहिए। राइट, तो बस मेरी यही कोशिश है, अभी मैं वही कर रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, एनी टाइम जब भी तुम्हें मेरी कोई जरूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। सो बहुत अच्छा लगा उर्मिला जी से बात करके, और मुझे लगता है आप लोगों को भी काफी मोटिवेशन मिला होगा कि कब मैं घर से बाहर निकलूं और कब मैं बड़ी स्टार हीरोइन बन जाऊं, या कब मैं टीवी में आऊं, कब मैं फिल्मों में आऊं, कब कनिष्का के इंटरव्यू में आऊं। नमस्ते, दैट्स द पावर ऑफ वी गर्ल। सो विश यू ऑल हैप्पी विमेंस डे फ्रॉम माय साइड एंड उर्मिला जी, हैप्पी विमेंस डे, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।